हिमाचल प्रदेश की व्यास नदी में रविवार को हुए एक हादसे में हैदराबाद के इंजीनियरिंग के करीब 24 छात्र बह गए। रविवार शाम मंडी से करीब 40 किलोमीटर दूर मनाली कीरतपुर राजमार्ग पर थालोद के पास व्यास नदी में ये हादसा हुआ। ताज़ा जानकारी के अनुसार 5 छात्रों के शव अब तक बरामद किए गए हैं और अन्य की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई है ये, और मैं पहला मौका है जबकि इस स्थल के ऊपर और स्थान के ऊपर ऐसी दुर्घटना हुई है। आप जानते हैं कुल्लू मनाली की जो सड़क है बहुत बिजी रोड है, हजारों बसें रोज अप एंड डाउन जाती हैं, आज तक कभी ऐसी दुर्घटना नहीं हुई है। ये दुर्घटना हुई है और आज जिसमें से चार बॉडीज अभी रिकवर हुई हैं और बाकी जो बॉडीज मिसिंग हैं उनको निकालने के लिए पूरी कोशिश, किसी भी दरिया के किनारे कहीं ना कहीं डूबने की घटना होती रहती है। जितने भी हिमाचल जो नदियों का दरिया है, नदियों का राज्य है, तो कहीं ना कहीं पर जो है दुर्घटना होती रहती है, मगर एक आध होती है, तो ये नहीं है कि ये मुझे बड़े पैमाने पर हुई है। गौर है कि मंडी से 40 किलोमीटर दूर थालोट में ये छात्र कैमरे से तस्वीरें ले रहे थे, तभी लारजी डैम के गेट खोले जाने से पानी अचानक बढ़ गया और 18 लड़के और 6 लड़कियां पानी में बह गए। इन्हें तलाश करने की कोशिश की जा रही है लेकिन रात में अंधेरा होने की वजह से तलाशी अभियान रोक दिया गया। सुबह छात्रों की तलाशी का काम फिर से शुरू किया गया है। अब तक 5 छात्रों के शव मिले हैं। फिलहाल इस अभियान में नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की 2 टीमें मौके पर मौजूद हैं। ये टीमें बचाव अभियान में पूरी तरह जुटी हैं। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।